मामले पर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी जानकारी रफाल डील को लेकर आ रही थी। आपको बता दें यहाँ पर 3 पुनर्विचार याचिकाएं थी इस मामले पे। हालांकि इससे पहले ही कोर्ट इस मामले में क्लीन चिट दे चुका था डील को कि डील में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और सही तरीके से यह डील हुई, लेकिन उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और 3 पुनर्विचार याचिकाएं इस मामले में दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इन पुनर्विचार याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दी गई हैं ये याचिकाएं रफाल सौदे को लेकर। राहुल गांधी ने जिस तरह की गलतियां की थी, अवमानना की प्रक्रिया, हालांकि उन्होंने अवमानना की जो प्रोसीजर है उसको क्लोज कर दिया है, लेकिन उनको कड़ी चेतावनी दी है और ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने राजनीतिक हित साधते हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक बार नहीं बार बार इसको रिपीट किया, जब उन्हें सच्चाई सामने आ गई उसके बाद भी किया, ये नहीं होना चाहिए था और इस तरह की चीजों में लोग सतर्क रहें। पर मैटर उन्होंने क्लोज कर दिया, कंटेंप्ट क्लोज कर दिया, यानी हाँ उनको अभयदान तो मिल गया है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि भविष्य में इस तरह की अपनी राजनीतिक खुंदक को और कोर्ट के फैसले की बंदूक से निशाना साधना, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी साधना है तो कम से कम अपनी खुंदक को कोर्ट की के कंधे पर डालकर ना चलाएं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, वो मंदिर निर्माण का काम केंद्र सरकार कराएगी ट्रस्ट बनाकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक बहुत बड़ा फैसला, सालों से वो रुका फैसला, ये साफ हो गया कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में उसी जगह पर है जिसको लेकर विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वही जगह राम का जन्म हुआ था।